दोबारा झूलवा लाओ, दोबारा झूलवा लाओ। नव निर्वाचित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ का हो रहा स्वागत सत्कार, स्थानीय विधायक ने कार्यक्रम आयोजित किया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा नगर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों के संगठन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के संरक्षक मंडल, मार्गदर्शक मंडल एवं नव निर्वाचित कार्यकारिणी के स्वागत एवं सम्मान का कार्यक्रम स्थानीय विधायक कार्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय जैन टप्पू के द्वारा नव निर्वाचित कार्यकर्ताओं को तिलक एवं पुष्पाहार पहनाकर सभी का स्वागत सत्कार किया गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने कहा कि मीडिया समाज का आईना है, उसे हमेशा पारदर्शी बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर का मीडिया सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है, जो प्रशंसनीय है। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय प्रेस क्लब को फर्नीचर आदि सामग्रियों के लिए 1,00,000 रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा भी की, जिस पर उपस्थित संरक्षक एवं मार्गदर्शक मंडल सहित समस्त नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। खाते आए चैनल पर, अखबारों में, पत्रकारों से आप क्या आने वाले समय चाहेंगे और आपके दोस्त सबके साथ? आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन कि आपने हमारा छोटा सा ये आग्रह स्वीकार किया और सभी यहाँ उपस्थित हुए। आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। जैसा कि कहा जाता है जितने चैनल लोग चला रहे हैं, पेपर भी चला रहे हैं, 38 लोगों का 20 पेपर भी चल रहे हैं हमारे संघ में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी चल रहे हैं। अब गठन का जो शुरुआत हुई तो सबका ये कहना था बिना सूचना के कहीं नहीं जाया जाएगा, कोई खबर नहीं जाएगी। जब काफी लोग आ चुके हैं, अब मैं ये चाहूंगा कि कई लोग नए भी हैं तो आप जिनको नहीं जानते हैं एक एक करके सबसे पहले परिचय हो जाएगा आपसे। हमारे आदरणीय मुकेश भाई सबसे चालू हो जाए परिचय। मुकेश भाई जी, मैं पहले ये चाहूंगा जी, टप्पू जी चलाता है।